भारतीय सिनेमा की ऐसी कई ऐतिहासिक फिल्में हैं जिन्हें कितनी बार देखने मन नहीं भरता। उनमें से एक है शोले, जिसका हर किरदार आज भी फैंस के जहन में ताज़ा है। 1975 में रिलीज हुई शोले एक आइकॉनिक फिल्म थी, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बनाने में सफलता हासिल की। फिल्म में जय और गब्बर दो ऐसे सुपरहिट किरदार हैं जो कि पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था, लेकिन वो इसे कर नहीं पाए। अलग अलग समय में शत्रुघ्न सिन्हा के पास शोले के दो आइकॉनिक रोल गए, फिर भी वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। एक बार उन्होंने रोल ठुकराया तो दूसरी बार उनके हाथ से मौका निकला। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर खुलकर बात करते हुए दोनों की वजह का खुलासा किया। साल 1969 में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म प्रेम पुजारी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में विलन का रोल किया और हिट हो गए। कुछ साल बीते और रमेश सिप्पी शोले की स्टार कास्ट ढूंढने में लग गए। गब्बर का रोल शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया गया। उस समय वो विलन के तौर पर पसंद किए जाने लगे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी नेगेटिव इमेज बदलना चाहते थे, इसलिए गब्बर के रोल को उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद ये रोल अमजद खान को दिया गया और वो रोल आज भी लोगों को पसंद आता है। फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को जय की तलाश थी और उन्हें कोई सही एक्टर नहीं मिल पा रहा था। तब उनके पिता जेपी सिप्पी ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सजेस्ट किया था। जब वो शत्रुघ्न सिन्हा के पास ऑफर लेके गए तो उनके पास कई फिल्में थीं। उन्होंने रमेश सिप्पी से पूछा कि क्या डेट उन्हें चाहिए, लेकिन रमेश सिप्पी किसी और उलझन में उलझे थे। दरअसल फिल्म शोले के लेखक सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को जय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन रमेश सिप्पी के पिता ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम का सुझाव दे दिया था। रमेश सिप्पी समझ नहीं पा रहे थे कि वो पिता की बात माने या सलीम जावेद की। उसी दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जब बार बार रमेश सिप्पी से डेट पूछ रहे थे तो रमेश सिप्पी ने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा को पता लगा कि जय का रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया है। शत्रुघ्न ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उन्हें पता चला कि शोले में अमिताभ को चुन लिया गया है तब उन्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अमिताभ ने जो मुकाम उस फिल्म से पाया है वो आज भी उसी पोजीशन पर गर्व करने वाले हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब फिल्म सुपरहिट हुई तब बुरा लगा था। काश मैं जय का रोल कर लेता, लेकिन बाद में मैं खुश हुआ कि मेरे भाई जैसे अमिताभ बच्चन को बड़ी पहचान मिली और आज वो भारत की शान है। एस रामानाथन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल काफ़ी कम था, लेकिन उसी दौरान सलीम जावेद ने उनके कम को खूब पसंद किया था। इसके बाद जब प्राण ने फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाव में दिया था, तब सलीम जावेद ने भी निर्देशक प्रकाश मेहरा से अमिताभ के नाम की पैरवी की थी। सलीम जावेद ने अमिताभ के टैलेंट को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए वो हमेशा मेकर्स को सजेस्ट किया करते। फिल्म शोले में भी ऐसा ही हुआ और किस्मत से ये फिल्म अमिताभ बच्चन के हाथ आई और उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म का नाम आज भी सुपरहिट फिल्मों में शामिल होता है। ऐसी एंटरटेनमेंट बॉलीवुड स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टाग्राम।